नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आपका अपना सिटी में। दोस्तों, रेलवे के तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है, आपको बताऊंगा इस अपडेट के बारे में पूरा डिटेल के साथ। दोस्तों, 1 अगस्त से सभी ट्रेनें चलेंगी। आपको बता दें, लॉकडाउन के पहले जैसी ट्रेन चलेंगी, जैसे लॉकडाउन से पहले चलती थी। तो उस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी ट्रेन चलने वाली है और कहां से कहां तक चलेंगी। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कौन से ट्रेन में सफर करने वाले हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, किसी भी सुझाव शिकायत के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जितनी भी ट्रेनों के नाम बताऊंगा, उन सभी ट्रेनों के टिकट आप ऑनलाइन IRCTC के वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हो या ऑफलाइन इंडियन रेलवे के किसी भी रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर बुक कर सकते हो। चलिए अब आपको उन सभी ट्रेनों के नाम बता देता हूँ कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेंगी। सबसे पहले बात करें तो दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस, ये ट्रेन दानापुर से सिकंदराबाद तक चलेंगी। हावड़ा जोधपुर बीकानेर एक्सप्रेस, ये ट्रेन हावड़ा से जोधपुर बीकानेर तक चलेंगी। दुरंतो एक्सप्रेस, ये ट्रेन हावड़ा से जसवंतपुर तक चलेंगी। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ये ट्रेन दरभंगा से नई दिल्ली तक चलेंगी। जन शताब्दी एक्सप्रेस, ये ट्रेन हावड़ा से पटना तक चलेंगी। पुष्पक एक्सप्रेस, ये ट्रेन लखनऊ जंक्शन से मुंबई तक चलेंगी। वैशाली एक्सप्रेस, ये ट्रेन सहरसा से न्यू दिल्ली तक चलेंगी। अवध एक्सप्रेस, ये ट्रेन बांद्रा से मुजफ्फरपुर तक चलेंगी। शहीद एक्सप्रेस, ये ट्रेन अमृतसर से जयनगर तक चलेंगी। तो दोस्तों, ये सभी ट्रेन 1 अगस्त से चलेंगी। तो ये रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी लोग अभी तक अपने घर नहीं आए हैं, तो अब इस ट्रेन से अपने घर आ सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।